अगले साल खुराक का आलमी बोहरान आ सकता है। अक्वामे मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार कर दिया। आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी तनाज़ियात, मौसमियाती तब्दीली और कोरोना के बाद पैदा होने वाले मामलात की वजह से ग़िज़ाई बोहरान ने भी सर उठा लिया, जिसके बाइस आलमी सतह पर बहुत से मसाइल ने जन्म लिया है। अक्वामे मुत्तहिदा ने दुनिया को खबरदार किया है कि अगर जरूरी इकदामात न किए गए तो खुराक का मौजूदा बोहरान 2023 में आलमी तबाही में तब्दील हो सकता है। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से ममालिक में जारी खुश्क साली, तनाज़ियात और यूक्रेन रूस जंग की वजह से अनाज की तरसील में रुकावटों ने खुराक के बोहरान को मजीद तकवीत दी है और लाखों इंसानों को फाका कशी के खतरे का सामना है। अक्वामे मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त 45 ममालिक में तकरीबन 50 मिलियन अफराद कहत की दहलीज पर है, जबकि दुनिया भर में 800 मिलियन से ज्यादा लोग हर रात भूखे सोते हैं। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।